हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ये पार्ट 3 है त्रिकोणमिति का, और इसमें हम फॉर्मूला नंबर 4 देखने वाले हैं, ठीक है, और 5 देखने वाले हैं, और कुछ सवाल भी देखेंगे। तो पार्ट 1 और 2 आप आई होप कि आप लोग देख गए होंगे, ठीक है, देख लिए होंगे, तभी पार्ट 3 में आ रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट 3 है, इसको इससे पहले आप पार्ट 1 2 को देख ले, फिर पार्ट 3 देखे, ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम फॉर्मूला नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको और किस तरह से हम लिख सकते हैं वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसका हम भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो साइन बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर साइन स्क्वायर थीटा नीचे में भी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, आप उलट उलट के लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 by, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 by कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए, अगर आप इसको कॉस और अरे सेक और कोसेक में चेंज करके और भाग गुना भाग जोड़ घटा फिर से बनाइएगा, तो हमारा आएगा इतना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, इंटू गुना में बदल जाएगा, इसको हम जोड़ घटा और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस गुना में बदल जाएगा। तो इस पर आधारित सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये फॉर्मूला ये 4th का फर्स्ट था, ठीक है। अब चलते हैं 2nd की ओर, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला नंबर 2, अब दूसरा जो है टेन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को हम माइनस किया है, ठीक है। तो अब देखिए, इससे क्या बनता है, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 और कॉस का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन, और यहाँ पे 1 में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है और साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, ठीक है, माइनस के बाद भी है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद देखिए, साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 1 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी को अब आप इसको अगर 10 में गुना करके यहाँ पे इसको और इसको 10 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इतना, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस को हम गायब कर सकते हैं। अगर कहीं भी सवाल में इस तरह से रहे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा पे, तो ये है फॉर्मूला तीसरा, ठीक है। तो देखिए, इसमें किसका रिलेशन किया है हमने, तो कॉट और कॉस का। तो देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा में से हम कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे, तो देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। फिर देखिए, साइन का 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉस कॉस है इसलिए कॉस को हमने कॉमन ले लिया और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इतना तो आप जानते ही होंगे ठीक है। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए इतना हो गया और इसको हम इतना लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ से भी क्या पता चलता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए ये जो हम फॉर्मूला नंबर 4 पर हैं इस पर जुड़े कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, क्वेश्चन दिया गया है यदि साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, थीटा न्यून कोण है, तो 24 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बटे 6 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, पहले देखिए दिया क्या गया है, साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब देखिए बचा क्या, वन बटे क्या, ऊपर में क्या बच गया, एक, तो एक बटे टेन थीटा, एक बटे टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं क्या है, एक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी होता है, यानी कि आधार बटे लॉन्ग होता है ठीक है। यहाँ से अगर हम एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, क्यों कि देखिए बी का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर करेंगे कितना, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटे इतना करेंगे। अब देखिए ये 5 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा रूट, तो रूट 6 हो जाएगा ठीक है, इस तरह से, इसलिए एच कितना हो गया, रूट 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, किसका मान निकालना है, तो देख लीजिए 24, तो 24 लिखेंगे गुने साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब कितना दिया गया है, तो पी 1 है, और देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ठीक है। और देखिए एच कितना है, रूट 6, और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस 15, सेक है, सेक क्या होता है, एच बटे बी, एच का मान कितना है, 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए क्या होता है, तो बी एच बटे बी होता है, और बी का मान कितना है, रूट 5 है, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा ठीक है। बटे नीचे में क्या है, 6 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक क्या होता है, साइन के उल्टा होता है, यानी कि एच बटे पी होता है ठीक है। एच का मान कितना है, रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए एच बटे पी, और पी का मान कितना है, पी का मान 1 है, इसलिए इस 1 नहीं भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा। अब देखिए क्या है, माइनस है 7 इंटू कॉट क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है, तो बी बटे पी, बी का वैल्यू कितना है, 5 है, रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, बी बटे पी, तो पी का मान नहीं है, 1 है ठीक है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा ठीक है। अब देखिए ये 4 टाइम में कट गया, 6 चौके 24, ये 3 टाइम में कट गया ठीक है। अब देखिए 4 छोतिया 18 हो गया, तो 4 माइनस 18 बटे छचा के 36 में से 35 गया, तो 1, छचा के 36 में से 7 बचे 35 गया, तो क्या बचा, 1 बचा, 4 में से 18 गया, तो माइनस का 14 आंसर। देखिए माइनस का 14 क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से ए और बी के लिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर संतुष्ट करेगा, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको इस साइड ला लेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए इंटू बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसा कौन सा है जिसमें से हम, यानी कि कोई तो ऐसा होगा जिसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो वो गुना में बदल जाता है, अभी अभी तो पढ़ा है हमने। तो देखिए
साइन एक्स माइनस कॉट एक्स करेंगे नहीं होगा, कॉस इंटू साइन कॉस माइनस साइन करेंगे नहीं होगा, और देखिए कॉट और कॉस को हमने बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसको जोड़ घटा बिन का एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो किसमें बदल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर माइनस क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसमें बदल जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए a माइनस बी और a में इंटू बी का होल स्क्वायर इसको स्क्वायर स्क्वायर हटा के कर सकते हैं, इसलिए कौन संतुष्ट करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेगा। ठीक है अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा से बड़ा ये इसको छोड़िए तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बड़ा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका कितना आसान है, ठीक है तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा किसमें बदल जाएगा, इंटू में बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, फिर देखिए ये भी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम गुना भाग किए तो इंटू में बदल गया था। ठीक है अब देखिए क्या होगा कि इस tan को हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा को बदल देंगे तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और इंटू sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखिए cos जैसे ही ऊपर जाएगा ये किधर बदल जाएगा cos में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ये हो गया एक हो गया। ठीक है अब देखिए यहां से साइन साइन बच गया। ठीक है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन का पावर फोर थीटा हो जाएगा, और जैसे ही ये भी ऊपर जाएगा तो यहां देखिए कोसेक का कितना पावर है दो और साइन का कितना हो जाएगा चार, तो चार दे छ हो जाएगा, यानी कि कोसेक का पावर छ थीटा का रूट अंडर होगा, और अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक का क्यूब। ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है आई होप कि आप सभी को ये सारी कॉन्सेप्ट सारी सवाल समझ में आ गई होंगी, ये पार्ट थ्री था, मिलते हैं फिर पार्ट फोर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिल संभल जा जरा।